हेलो गाइस, वेलकम टू सैम गेमिंग कस्टम मैच 4K एंड टुडे वी हैव 24 टीम्स 81 प्लेयर्स। प्लेन पास जाएगा हमारा विनरी एंड डिनो पार्क की ओर से होता हुआ क्रिचर्स एंड पोर्ट का एरिया। टीम्स ने अपने ड्रॉप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। टीम नंबर 25 सोलो प्लेयर DFP काचू विनरी की ओर कैरी करता नजर आ रहा है हमें। उसके साथ ही टीम ट्रिनिटी, टीम इनसेन, टीम क्लो, तीनों ही टीम्स यहाँ पे जा रही है, लेकिन टीम क्लो जाएगी एबे की जानिब। एबे में उसके साथ आएगी टीम ट्रिनिटी। ट्रिनिटी अभी वोलोवा की ओर कैरी करते नजर आ रही हैं। बहुत ये दोनों टीमें अबे भी नहीं रुकी हैं फिलहाल। टीम इनसेन आई थिंक वहां जाने वाली है पीछे की ओर, जहां पर टीम ट्रिनिटी ने तो अबे में ड्रॉप ले लिया है। वोलोवा आएगी टीम क्लो, टीम इनसेन यहां पर ये और ज़्यादा आगे हैं। कंट्रा हॉट स्प्रिंग के एरिया जाने की ट्राई करने वाली है टीम इनसेन। जी टीम नंबर 9 के प्लेयर्स जो कि टीम TW के प्लेयर्स हैं, टीम डिनो पार्क के पास वाले कंपाउंड लूटेंगे। TW ऑफिशियल एबे एंड डिनो पार्क का मिडिल एरिया लूट करते नजर आएगी हमें। जी हाँ बिल्कुल, एबे के मैन कंपाउंड्स लूट करते नजर आ रही है। एबे का दूसरी साइड जो निचली तरीके वहाँ कंपाउंड्स हैं वो टीम ट्रिनिटी लूटेगी। वोलोवा भी गए हैं ट्रिनिटी के कुछ प्लेयर्स। जी हाँ बिल्कुल, ट्रिनिटी के रिज एंड जैक वोलोवा की ओर लूट करते नजर आ रहे हैं दो प्लेयर्स। इनके ब्लेज उनसे थोड़ी दूर हैं अभी पीछे की, और वो भी एंटर कर चुके हैं उस एरिया में। टेंडी एंड क्लो यहाँ पे जाएगी पूरा जोन हार्ट से लेता को कोस्मोड्रोम ट्रिनोवो पेशकोवा। प्लेन पास से बहुत ज़्यादा दूर हार्ट शिप ले चुका है प्लेन। टीम FB से फाइट होती हुई, टीम सोस की भी फाइट चल रही है। टीम सोस की फाइट चलेगी हमारी पोर्ट के एरिया में। टीम FB भी वहीं पे गई हुई है। टोरू ने FB हेलबॉय को नोक एंड फिनिश ऑफ दे दिया है। टीम नाक के प्लेयर्स ने ट्रैफिक ने लियोनाइट को डाउन किया है। हेलफायर नोक हुए थे वो भी डाउन होंगे। स्टोमियो भी उसको करेंगे। टीम OP भी यहीं पर आई हुई है। विशाल OP ने वालोड को फिनिश ऑफ कर दिया। टीम FB यहाँ पर फिनिश ऑफ होते 3 मैन स्क्विड के साथ। टीम OP के प्लेयर 2 किल्स निकाल चुके हैं। पोर्ट का एरिया जो टीम सोस का रहता है मैन ड्रॉप। टीम सोस चारों ही प्लेयर्स के साथ अपने तैयार हैं। यहाँ पर टीम OP उनके सामने होगी राइट हैंड एरिया में। लेट्स सी किस तरह डील करेंगे। ये 3-4 का सिचुएशन है फिलहाल टीम सोच के पास। नंबर एडवांटेज काफ़ी अच्छा है। पीछे टीम में MIVV नजर आ रही है पीछे वाले कंपाउंड्स में 3 मैन स्क्वाड के साथ। CDR के प्लेयर्स भी यहाँ नजर आ रहे हैं। लियो नाइट को नोक एंड फिनिश ऑफ भी करते हुए वहाँ पर ट्रैफिक को मिलता हुआ उनका पहला किल। टीम सेफ 3 मैन स्क्वाड के साथ अब रहेगी अलाइव। नाइट को वो कर चुके हैं। तुषार OP ने पर्थ को डाउन कर दिया विद एन AKM। क्लो अपने आप को यहाँ पर बैंडेजेस पॉपिंग करते हुए टीम क्लो सॉरी टीम यहाँ पर टीम OP क्या क्लोजिंग करती नजर आने वाली है टीम सोस के ऊपर। सोस के ऊपर ऑलरेडी डाउन पड़े हुए हैं। अभी तक उन्हें रिवाइवल देने का कोई ट्राई नहीं दिया गया है। पर्थ नॉकआउट पड़े हुए हैं। रिवाइवल कितने में मिलेगा वो देखना होगा। अभी फिलहाल फाइटिंग है जो चुकी है। डोर अपनी यूएमपी बदली से ले चुके हैं। एक और प्लेयर डाउन करते हुए फ्रैक्चाइल की M16 यहाँ पर एग्री को भी लेकर जाती हुई। डोर अपने प्लेयर को इंस्टेंटली रिवाइवल देने का ट्राई करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से पीछे फॉल बैक जो कर रहे थे वहाँ पर टीम सोस उनका भी वहाँ से थोड़ी सिचुएशन खराब में डाली है। डोर के ऊपर आता ऑपरेशन एग्री जो रिवाइवल हुए थे दोनों ही प्लेयर डाउन होते। विशाल OP दोनों ही प्लेयर्स को इजी तरीके से डाउन करते हुए अजीत वहाँ पर रिवाइवल देने का ट्राई कर रहे हैं पर्थ को। लेट्स सी यहाँ पे विदाउट हील कितने बहुत सारे मुश्किल में फंसी हुई है टीम OP के प्लेयर्स। क्लोजिंग कर रहे हैं चारों ही प्लेयर्स हैं। नंबर एडवांटेज पूरा का पूरा अब उनके ऊपर जाता हुआ पर्थ यहाँ पे करेंगे। पर्थ के पास इतनी ज़्यादा यहाँ पे गन भी नहीं है। स्कॉर्पियन से ट्राई कर रहे हैं नॉक निकालने का। स्टोमियो भी करेंगे उनको डाउन। अजीत आगे अकेला बचा है वो वहाँ पे। वो एक प्लेयर को डाउन करेगा अजीत भाई मेले वेपन तुषार OP को। एक अच्छा ट्राई है अजीत का, लेकिन यहाँ पर टीम OP 7 किल्स 6 किल्स लेते हुए पोर्ट का एरिया पूरा यहाँ से फिनिश अप करती हुई। टीम MIB के प्लेयर्स भी यहाँ पीछे फॉल बैक करते नजर आ रहे हैं। लूट कर रहे हैं वो फिलहाल उन्हीं के पास में। टीम ऑलरेडी एक फाइट ले रही है हमारी टीम या टीम CTR जो ये फाइट इंगेज कर रही है अपने जो ये फाइट हमारी टीम CTR ने फाइट इंगेज की है। लेट्स सी वहाँ पे अभी तक उनको एक भी प्लेयर उनका नोक नहीं हुआ है। 4 किल्स बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं। वाइन वहाँ पे लो हुए थे वो अपने आपको बूस्टअप करते नजर आएंगे। 4 किल्स बहुत अच्छी तरीके से निकाले CTR ने अपने। वाइन ने निकाले 3 किल्स अभी ने एक और गबरू OP को अभी कोई यहाँ पे किल नहीं मिला है। रेज के प्लेयर्स भी यहाँ पर फाइट इंगेज करते हुए रेज के प्लेयर्स एक प्लेयर को डाउन अप कर चुके हैं। टीम रेज हमारी टीम MIV से फाइट टीम MIV के प्लेयर ने टाइगर को टीम विक्की के टाइगर को उन्होंने गेंद फिनिश ऑफ कर दिया है। सॉरी टीम विक्की का नहीं था वो प्लेयर। टीम 9 के प्लेयर्स इधर रोटेशन डालते नजर आ रहे हैं जो उनके अंदर धीरे धीरे कर टीम डोप से टीम नंबर 21 से फाइट ले रहे हैं। टीम रेज के प्लेयर्स सीमेंट फैक्ट्री रहता है उनका कोस्मोड्रोम रहता है उनका। सीमेंट फैक्ट्री का एरिया ही लूट करके आए हैं ये इधर या बिल्कुल सीमेंट फैक्ट्री सॉरी दूर है। बिग OP अब यहाँ पर रेड जोन से आई थिंक नॉकआउट हुए हैं।
हिटमैन ने यहाँ पे एक और नोक निकाल दिया है, जिसके चलते टीम रेज क्लोजिंग करती नजर आ रही है। स्लैम होता हुआ हिटमैन ने डोपिंग सेन को भी डाउन कर दिया। नीचे टीम रेज के प्लेयर्स ने इधर लास्ट प्लेयर ऑफ 21 टीम फिनिश ऑफ करती हुई यहाँ पर। टीम रेज बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट निकालती है। हिटमैन के दो, सोनू का एक, टाइसन का एक किल्स हो चुका है, चार किल्स ले चुकी है ये टीम। 19 टीम्स बचती हैं, 64 प्लेयर्स के साथ हमारी अलाइव रहेंगी। टीम ट्वेंटी ने बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ से जो रोटेशन डाल दिया है, पिस्कोवा का एरिया लूट करेगी। एक अली रोटेशन टीम ट्वेंटी की ओर से देखने को मिला। टीम क्लो के प्लेयर्स अभी तक वो लोग लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम इंसेंट के प्लेयर्स हॉट स्प्रिंग लूट कर रहे हैं एंड टीम नंबर 9 के प्लेयर्स मोफ्तरा में लूट करेंगे। टीम एमटी के प्लेयर दो ब्रो में स्टोर लूट करते नजर आ रहे हैं हमें। टीम रेड क्रॉस जो गोरखा का एरिया लूट करके वो रोटेशन डाल रही है, जो उनके अंदर चारों ही प्लेयर्स के साथ यहाँ टीम नंबर 5 के प्लेयर्स काफ़ी क्लोज में है। टीम रेड क्रॉस के टीम नेट्रो या टीम नेट्रो के प्लेयर्स यहाँ पर नेट्रो डेड आई एच एम ए एम एंड मोगली। टीम ओपी के प्लेयर्स की एक और फाइटिंग है जो ये इस बार होगी। टीम एम आई बी से ये फाइटिंग है। एम आई बी के प्लेयर्स ने एक प्लेयर डाउन किया एंड इंस्टेंटली फिनिश ओपी करते हुए स्टॉम यू बी को, एंड एक प्लेयर काफ़ी ऑलरेडी लो हुआ है, निंजा जो डाउन पड़ा हुआ था उसको रिवाइवल मिल चुका है। हील अप भी करता हुआ अपने आपको एम आई बी से बहुत अच्छे तरीके से एक कवर फायर देगा अपने प्लेयर को। एक क्लोज रेंज में भी है, अगर वहाँ पर एक नोक निकल जाएगा एम आई बी सेन का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, लेकिन टीम नंबर 23 के प्लेयर एम आई बी के प्लेयर अच्छे से कवर फायर देने के लिए अपने पूरा आ गए। एक अच्छा रोटेशन सारे ही प्लेयर्स की ओर से देखने को मिलता हुआ। 2-2 की स्प्लिट में दोनों ही प्लेयर्स खेल, चारों ही प्लेयर्स खेलते हुए टीम एम आई बी के। लेकिन टीम ओपी के प्लेयर फ्रैक्स आयल तुषार ओपी विशाल ओपी एक काफ़ी करीब करीब वाले कंपाउंड्स में यहाँ पे एक टीपी प्लेयर का एरिया है, वहाँ पे स्पोर्ट करने का कोशिश करेंगे, नॉक निकालने की ट्राई करेंगे। तुषार ओपी देखते हैं यहाँ पे स्कोपिंग करते बैठे हैं। टीम सी एच बी की फाइट होती है। टीम सी एच बी के प्लेयर्स पहले नॉक निकाल चुके हैं अपना, जो कि टीम विकी के ऊपर होगा। स्पाइडर ओपी को काफ़ी लो कर दिया है यहाँ पे, ब्लड आउट बहुत ज़्यादा कर दिया है। स्पाइडर ओपी यहाँ पे रिवाइवल हो पाएंगे कि नहीं, या बिल्कुल रिवाइवल हो चुके हैं। टीम क्लॉक के अंकने एक सोलो प्लेयर था उसको वहाँ पे नोक फिनिश ऑफ किया। टीम सी एच बी के नमन का ये जो फ्लैंक था बहुत ही ओपी फ्लैंक रहा इनका, जो नोक था उसको फिनिश ऑफ भी करते हुए एंड एक और नोक करके फिनिश ऑफ देते हुए उसके ऊपर पूरा अपना किल लेते हुए टाइगर का ये फ्लैंक टीम सी एच बी के ऊपर आए, फ्लैंक पे फ्लैंक मारा है इधर टाइगर ने। बैरल इधर लॉन्ग रेंज में इतना सुटेबल नहीं रहने वाली है, लेकिन फिलहाल देखते हैं एक नॉक निकलता है कि नहीं, वो ट्राई यहाँ पे टीम सी एच बी के ऊपर कर पाएंगे। एक हाथ फिनिश ऑफ करके जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे 2v4 इजी वे में निकाल देंगे। टीम सी एच बी उधर क्लोजिंग करी है एंड टीम टाइगर के दो मैन स्क्वाड वहाँ से पीछे से फ्लैंक करके चला गया। ये थोड़ा यहाँ पे दूसरे को छुपन छुपाई वाला गेम चलता हुआ एंड काफ़ी टीम्स हमें आउट ऑफ द जोन जो नजर आ रही थी वो हमें रोटेशन डालती नजर आएंगी, जैसे कि टीम क्लो, टीम इंसेंट, टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल, टीम डी फोर, टीम एम टी, टीम एम आई वी की फिलहाल फाइट हो रही है। टीम ओ पी के प्लेयर्स से तो अभी यहाँ पे रह गई हुई और ये एज ऑफ द फाइट हो रही है हमारी, एज ऑफ द जोन। टीम निट्रो की टीम फाइट टीम रेड क्रॉस से होती हुई। टीम निट्रो ने एक प्लेयर डाउन किया है आयरन मैन एंड उधर से रेड आई डाउन हुआ है। एक एक प्लेयर दोनों का डाउन है, बादशाह डाउन हुए थे, सॉरी आयरन मैन नहीं, यहाँ पे दो प्लेयर्स उनके जवाब दे रहे हैं अमान जैद बादशाह नबील एंड चारों ही प्लेयर्स यहाँ पे क्लोजिंग करते नजर आ रहे हैं। रिवाइवल तो उन्हें निट्रो का हो जाएगा। मेजर अमान एक और प्लेयर डेड आई को अगेन नॉकआउट दे दिया है। मेजर जैद ने निट्रो एच एम को डाउन कर दिया। एक एन मॉल भी दो ही प्लेयर्स बचते हैं। रिवाइवल देने का ट्राई पूरा का पूरा डेड आई को चलता हुआ, क्या गिनने नीचे से आएगा मोलोडोल, आई थिंक आएगा, बिल्कुल मोलोडोल बहुत सही जगह पर। डेड आई अगेन डाउन होता हुआ नजर आएगा हमें। यह गिननेट भी बहुत अच्छी जगह पर, एक एक को डैमेज नहीं पड़ा, लेकिन वो टीम रेड क्रॉस के उसमें जाता हुआ एंड फिनिश ऑफ होता हुआ। टीम रेड क्रॉस बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक किल लेते हुए चारों ही प्लेयर्स टीम वर्क यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। चारों प्लेयर टीम एम आई बी के प्लेयर्स, एम आई प्लेयर विशाल ओपी को डाउन कर चुके हैं ऑलरेडी, उनका एक प्लेयर नॉक एंड फिनिश ऑफ कर चुके थे। विशाल ओपी जो नॉक हुए थे उसको फिनिश ऑफ करने की कोशिश में एम आई बी सेन ने अपना नॉक भी निकलवा दिया वहाँ पर। एम आई बी सेन को फ्रैक्स आइल करेंगे नॉक एंड फिनिश ऑफ। टीम एम आई बी के प्लेयर पीछे से आते हुए फ्रैक्स आइल को ऑफ गार्ड पकड़ेंगे, डेन नॉक एंड फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे। वो भी ऑलरेडी उनका एक प्लेयर नॉक एंड फिनिश, दो प्लेयर नॉक एंड फिनिश ऑफ कर चुकी थी टीम ओपी के प्लेयर्स। यहाँ पे दो प्लेयर डाउन पड़े हुए हैं, तुषार ओपी अब अकेले बचे हुए जाते हुए क्लोजिंग करते नजर आएंगे। 1v2 सिचुएशन में अब यहाँ पे रहने वाले हैं। फिलहाल एक प्लेयर को रिवाइवल भी दे सकते थे विशाल ओपी को चाहते थे, लेकिन सामने उस पर सपोर्ट करेंगे, नॉक करेंगे तुषार ओपी बहुत ही अच्छे तरीके से। एम आई दाई ब्लो अब सोलो बचेगा, 1v1 फाइट एम आई दाई ब्लो की। ये मोलोटोल क्या काम कर पाएगा कि नहीं, मोलोटोल बहुत सही जगह पर है। आई थिंक निंजा को ये मोलोटोल फिनिश ऑफ कर सकता था, लेकिन नहीं, ये वाला मोलोडोल करके जाएगा आई थिंक फिनिश ऑफ। बहुत ज्यादा लो किया था उसको, बहुत ज्यादा लो एंड एम आई दाई ब्लो यहाँ से पीछे की ओर जा चुके हैं। निंजा को रिवाइवल देने का ट्राई तो जरूर करेंगे, काफी ब्लड आउट है, वो स्मोक किया जा रहा है दाई ब्लो की ओर से। इधर तुषार ओपी विशाल ओपी को रिवाइवल देने का ट्राई करेंगे, तो दोनों प्लेयर्स रिवाइवल होते नजर आएंगे हमें। हमारी दल में ऊपर का स्पोर्ट लेते हुए तुषार ओपी क्या यहाँ रिवाइव के लिए पीछे अपने टीममेट्स के जाएंगे कि नहीं, लेट्स सी। यहाँ पे रिवाइवल तो नहीं मिल पाएगा, 1v1 फाइट हो जाती है। तुषार ओपी आई थिंक रिवाइवल देना चाहते तो शायद विशाल ओपी को रिवाइवल दे सकते थे। हमारी विदाई ब्लॉक को करते क्लोज इन, यहाँ पे हमारी विदाई ब्लॉक बहुत अच्छी तरीके से फाइट निकालते हुए। टीम एम आई बी के प्लेयर 3 किल्स यहाँ से उठा चुके हैं, टोटल तो 5 किल्स निकल चुके। टीम सी टी आर की फाइट होती हुई अब इस बार ड्रॉप पर फाइट होती हुई टीम रेज के प्लेयर से। सी टी आर के हिट में
हल्क को ऑलरेडी नॉक एंड फिनिश अप कर दिया रेज के, एंड हिटमैन डाउन पड़े हुए हैं, गब्रू ओपी एंड अभी 17 दो प्लेयर्स 2v2 फाइट में अभी रहेंगे, अभी किस तरह डील करेंगे। कोजोराम में जो फेडो मंगाया था टीम रेज के प्लेयर्स ने, वहाँ पर वो आई है टीम सी टी आर। जी हाँ, सोनू का ये फ्लैंग रिवाइवल देने का ट्राई होगा पूरा का पूरा हिटमैन को। टी डब्ल्यू नो बैरल ली टोपी को डाउन करते हुए टीम टी डब्ल्यू की फाइट होते हुए टीम आर आर के प्लेयर्स, टीम अभी 17, टीम सी टी आर के प्लेयर्स यहाँ पे अभी 17 आई थिंक टीपी प्लेयर जरूर खड़े होंगे। सोनू पे जाएगा स्प्रे इस बार, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो, रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे टीम रेज हिटमैन को। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्लोज इन हो रहा है अभी 17 का, लेकिन बहुत ही अच्छा कवर फायर दिखता हुआ रे टाइसन की ओर से, बहुत अच्छा कवर फायर रे टाइसन की ओर। एली टोपी को जो नॉक किया था टी डब्ल्यू नोब ने, वो फिनिश वो भी कर दिया है उस पर अपना, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हुए टीम टी डब्ल्यू के प्लेयर्स भी अपना पहला किल निकालते हुए टीम आर आर के ऊपर। रेजिटमैन जो नॉक हुए थे वो अपने आप को हील अप कर चुके हैं। टीम सी डी आर 2v3 फाइट रहेगी अब टीम सी डी आर की, गब्रू ओपी अभी 17 किस तरह डील करेंगे, 5 किल्स उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। विक्की के प्लेयर्स यहाँ पे टीम एम टी के प्लेयर्स से फाइट होते हुए, टीम एम टी के प्लेयर्स को एक को डाउन किया टीम विक्की के प्लेयर्स ने, टीम एम टी के बड़ोस के डाउन पड़े हुए हैं। विक्की के डुओ ही इधर एम्परर नबील को डाउन करते हुए टीम आर आर स्प्लिट्स में फाइट, यहाँ पे मल्टीपल फाइट चलते हुए टीम आर आर वैनम ने टी डब्ल्यू हंडर के ऊपर नॉकआउट निकाला है। डुओ यहाँ पर दो तरीके से फाइट ले रही है टीम आर आर वैनम, टीम टी डब्ल्यू एंड टीम रेड क्रॉस से फाइट ले रही है। अमान ने टी डब्ल्यू हंटर का किल स्टील किया था, वैनम ने डाउन किया था जोकर ओपी के ऊपर, नोब उनके ऊपर नोक निकालेंगे और बहुत अच्छी तरीके से नोक निकाला है। क्या यहाँ पे फिनिश ऑफ हो पाएंगी कर पाएंगे कि नहीं, टी डब्ल्यू नोब टी डब्ल्यू के लिए अकेले बचे हुए हैं। एंड वहाँ पे पीछे से टीम एम टी भी फाइट ले रही है, विक्की की टीम को फिनिश ऑफ कर चुके हैं, रेड टाइसन सी टी आर का भी ओपी को डाउन कर चुके हैं। एंड यहाँ पे एक प्लेयर और बचता है, एक प्लेयर और बचता है, टीम सी एच बी भी इस फाइट में एंगेज हो चुके हैं। थर्ड पार्टी जो पूरे टीम एम टी के ऊपर कर सकती है, टीम एम टी का डेटा स्टार्टिंग से ही नोक बड़ा उठा हुआ है, एक नोक हुआ था सी एच बी वेजी टू एम टी वैनम को नोक एंड फिनिश ऑफ निकालेगा बहुत अच्छी तरीके से टीम सी एच बी। थर्ड पार्टी का रूप ने बात की, टीम एम टी के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल में है फिलहाल, और इन जिम फॉर ट्राई करेंगे वहाँ पर डिट्रक्स को रिवाइवल देने का। यार मोलो डोल करना चाहते थे, पीछे से आएगा उनके पास बुटोस की जो काफ़ी लो हुए थे, वहाँ पर रिवाइवल देने का मौका कोई यहाँ पर नहीं मिलने वाला आई थिंक। ये यहाँ पर लास्ट सेकेंड में रिवाइवल देना चाहते थे, बट वहाँ से पीछे से आया फायर जिसके चलते वो रिवाइवल नहीं हो पाए। टाइसन यहाँ पर पूरा रेज सी टी आर को फिनिश ऑफ करते नजर आ रहे हैं, टीम रेड क्रॉस टी डब्ल्यू को फिनिश ऑफ करते नजर आई हमें टीम रेड को। अब टीम सी एच बी से फाइट एंगेज कर सकती है यहाँ पे, और यहाँ पर टीम टाइगर एक सोलो प्लेयर बचता है, सी एच बी यहाँ क्लोजिंग करती नजर आएगी, टीम रेड क्रॉस सॉरी टीम आर आर से फाइट करती नजर आएगी। वहाँ पर टीम सी एच बी के प्लेयर्स काफ़ी नेट्स एंड स्मोक बॉल बना रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्लोजिंग करते नजर आने वाले हैं। दो ही प्लेयर्स बचेंगे टीम एम टी के और इन जिम फ्रेंड डेटर्स, उनके ऊपर मोलो डोल एंड ग्रेनेड्स की बरसात होने वाली है। यहाँ पर टीम आर आर के प्लेयर्स मेजर अमान को डाउन कर चुके हैं, टीम आर आर टीम रेड क्रॉस से फाइट लेती हुई नबील भी डाउन हो चुके हैं, दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं, बादशाह एंड जैद दो ही प्लेयर्स बचेंगे, रिवाइवल देने का ट्राई कर रहे हैं फिलहाल बादशाह, जैद देंगे वो कवर फायर ऊपर से। टीम आर आर के प्लेयर्स ग्रेनेड डाला है बहुत ही अच्छा ग्रेनेड, अमान को लेकर जाएगा ये ग्रेनेड जो रिवाइवल के निपटे थे वो नॉकआउट भी होते हुए। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कवर बादशाह के ऊपर होता हुआ क्लोज इन टीम आर आर के प्लेयर्स का, एक ही प्लेयर बचेगा टीम मेजर जैद ने एक प्लेयर नॉक कर दिया है, एरन एम्परर ऊपर की हिल से गिर के नॉकआउट हुए थे फिनिश ऑफ करने के लिए, उससे पहले जाते हैं यहाँ पर टीम आर आर वैनम उसको फिनिश ऑफ करेगा लास्ट प्लेयर को बहुत अच्छी तरीके से निकालता हुआ वो किल। टीम आर आर यहाँ पे एक प्लेयर लीड टॉपी जरूर खोया है अपना, सदन ने लिया है वो लास्ट किल, चार किल्स लेते हुए टीम आर आर के प्लेयर्स अपनी पहली फाइट बहुत अच्छी तरीके से निकाले हुए। टीम क्लो के प्लेयर्स रोटेशन उनका जोन में स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी टाइम से वहाँ पर रोटेशन डाले टीम पेशकोबा की और मौजूद है टीम टी यहाँ पे इनसेन एंड टीम टेंटी हमारी एक मिडिल ऑफ द सर्किल बैठी हुई है, टीम सेफ्रोन भी एक एज ऑफ द सर्किल बैठी हुई है, किल्स उनका भी कोई नहीं है। टीम एम आई बी की टीम यहाँ पे फाइट करती नजर आने वाली है, एम आई बी के डाइबलो सोलो हैं, टाइगर सोलो हैं एंड टीम एम टी के डुओ मैन स्क्वाड है जो फाइट ले रहा है। टीम सी एच बी के प्लेयर क्लोजिंग कर रहे हैं, वेजिटो ने यहाँ पे डेटक्स को डाउन किया, लेकिन ओरियन जिम फिर का बहुत ही अच्छा ट्राई, एक प्लेयर डाउन करेगा दूसरे प्लेयर को 10 एचपी छोड़ेगा, लेकिन लास्ट में आके फिनिश ऑफ होगा, 1v1 फाइट हो चुकी है। यहाँ पे एक टाइगर है एम आई दाइबलो की, दाइबलो करते हुए क्लोज इन, थर्ड पार्टी कर रहे हैं सॉरी यहाँ पे 1v1 नहीं है, पिछले टाइगर यहाँ पे स्पोर्ट कर सकते हैं दाइबलो को, दाइबलो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है। मोलोडोल करना चाहते थे पर ज़्यादा पिक कर चुके, सी एच बी नाम उनका फायदा उठाते अपनी यू जी से बहुत ही अच्छी तरीके से उनका यहाँ पे किल निकाल है उन्होंने, टाइगर कब तक वेट करेंगे लेट्स सी। यहाँ पे टीम सी एच बी के चार प्लेयर्स है, टाइगर को इतना तो मालूम होगा यहाँ पे, दैट्स वाई वो अपने मोमेंट नहीं देना चाहते, हो सकता है टीम सी एच बी इस व्हीकल के लिए आए तब टाइगर से ये फाइटिंग है जो जाए, वरना यहाँ पे टाइगर ये फॉल बैक कर सकता है बहुत ईजी तरीके से, यहाँ से निकल सकता है सिंगल से कि नहीं, फिलहाल स्पोर्ट नहीं देना चाहता है। टीम सी एच बी के चारों मैन चारों ही प्लेयर्स अलाइव हैं बहुत अच्छी तरीके से, 6 किल निकाल चुके हैं वो, टाइगर अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ है, जोन हमारा बनने वाला है, जोन नंबर 3 बनेगा अब जल्द
या डीएमसी एचबी के प्लेयर्स हमारे वो यहाँ पे निकलना चाहेंगे वो जोन की ओर से, क्योंकि जोन हमारा कट चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है उनसे। एडोप्स भी कैंडी में हमारे काफ़ी देखने को मिलते हैं, टीम ट्वेंटी एंड टीम ग्रो काफ़ी दूर, काफ़ी एक दूसरे के करीब करीब हैं फाइट लेने को। टाइगर यहाँ पे अपना थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट दिया था, लेकिन इतना नहीं कि उन्हें फुटप्रिंट या आवाज चले। ट्रिनिटी के जैक का ये गिनेट ज़्यादा, क्लो के हंक को डाउन करेगा, ट्रिनिटी जैक को डाउन करेंगे, क्लो के लाइकन लाइकन एक्सपर्ट डाउन करेंगे, जैक को फिनिश ऑफ करेंगे, एंड एक और यहाँ पर लाइकन ने डाउन किया रितिस को। ब्लेज अकेले बचेंगे, वो मोलोडोल एंड गिनेट्स कर रहे हैं वहाँ पर, अपने प्लेयर को रिवाइवल भी देना चाहेंगे बिल्कुल। हंक जो ऑलरेडी डाउन पड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी यहाँ से एक्सपर्ट आते हुए अपने प्लेयर को कवर अप देने के लिए, एक्सपर्ट थोड़े दूर थे, हमने दो टू मैन स्क्वाड का फाइट ले रहा था जिसके चलते अब ब्लेज ने रिवाइवल भी दे चुके हैं। ब्लेज वो उधर रिज को, जहाँ रिज रिवाइवल हो चुके हैं, हील अप कर रहे हैं अपने आप को, एक्सपर्ट करेंगे क्लोज इन, मेड किट यहाँ पे लग चुकी है रितिस की भी, ब्लेज बचेंगे। ये मोलोडोल यहाँ पे डाउन लो तो करेगा थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लेयर्स को, डैमेज देकर जाएगा रितिस को भी एंड ब्लेज को भी, लेकिन नोक तो नहीं निकालेगा फिलहाल। 2v3 फाइट हमारी रहने वाली है। टीम क्लो के प्लेयर्स के लोग एक्सपर्ट ये फ्लैंग करते नजर आ रहे हैं हमें पीछे की ओर, एक हाई रिज ग्राउंड एडवांटेज लेना चाहेंगे क्लो के एक्सपर्ट एंड क्लो के हंक वहाँ पे। एक ये गिनेडिया मोलोडोल इनका जाता हुआ बहुत ही अच्छा यहाँ पे टिंटेड रिड्स को जो लो कर सकता था, ये जहाँ मोलोडोल गया था जो लो नहीं किया, एक गिनेड गया वो मिडिल ऑफ द एरिया टेंटी प्लेस के ऊपर, ये मोलोडोल लाइकन की जाती हुई बहुत अच्छी तरीके से डील करती हुई एसोसिएशन टीम टेंटी के टीम क्लो के प्लेयर्स क्लो के लाइन का। अब यहाँ पर टीम क्लो का पुशिंग जाने वाला है, पीछे टीम सी एच बी का रोटेशन भी आ रहा है, क्या टीम सी एच बी इस फाइट के लिए रुकने वाली है कि नहीं फिलहाल देखते हैं। क्लो के बाबा का ये गिनेड अब टीम नाक के दो प्लेयर्स को लेके जाता हुआ, मिस्टर सोलो लीवर को एंड एक और प्लेयर को। क्लो बाबा का यहाँ पर फिनिश ऑफ लेते हुए टीम नाक के प्लेस पर, लास्ट किल उन्होंने फिनिश ऑफ किया क्लो बाबा ने ट्रैफिक को विद अ हेडशॉट ऑफ जी 36। क्लो लाइकन यहाँ पे है, क्लो एक्सपर्ट लाइकन एंड हंक ये तीन प्लेयर बचते हैं, क्लोज इन कर चुके हैं ट्वेंटी के ऊपर। ट्वेंटी रिच एंड ब्लेज दोनों ही अलग अलग कंपाउंड ले चुके हैं, नीचे हैं उनके टीम क्लो के चारों तीनों ही प्लेयर यहाँ पे यहाँ पुशिंग करते नजर आ रहे हैं। ट्वेंटी के एक प्लेयर को डाउन करेंगे वहाँ पे, एक्सपर्ट को डाउन करेंगे ब्लेज, बट उनका टीम का बहुत ही अच्छा कवर फायर मिलता हुआ एंड उसको लाइकन फिनिश ऑफ करेगा। टीम ट्वेंटी यहाँ से एग्जिट लेती हुई है सेक्टर एंड पोजिशन। टीम सी एच बी के प्लेयर्स उन्हीं के पास वाले कंपाउंड आके रुके हैं। टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल ने एक फ्लेयर मंगाया, एम के 14 ओक विद एयर सप्रेस विद हेलमेट वेस्ट के साथ आएगा। टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल अभी कोई फाइटिंग गेज नहीं की है उस टीम ने, ट्रिनोवो की और ये फाइट हुई है। एक टीम नाक से उनकी टीम टीम सेफ्रोन की, यहाँ पे थ्री किल्स टीम क्लो बाबा के निकल चुके हैं। यहाँ सारे टीम सब जोन में थोड़ा थोड़ा अंदर क्लोजिंग करते नजर आएंगी। मेदर्स वाले जो आज भी सोलो के लिए सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमें कस्टम में यहाँ पे, अब वो अब भी सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं, उनकी भी कोई फाइटिंग हुई है। टाइगर फिलहाल सर्वाइव करते हुए नजर आ रहा है, टाइगर मेदर्स वाले हैं, टाइगर जो एक दूसरे का भी करीब है। टीम रेज थ्री मैन स्क्वाड के साथ अभी अपने ही मेन रोप पे यहाँ पे बैठी हुई है, जोन काफी उनके ऊपर फेवर कर रहा है। टीम सी एच बी के प्लेयर इनसेन को डाउन करते हुए टीम सी एच बी फाइटिंग एज करते हुए टीम इनसेन के प्लेयर से इनसेन का एक प्लेयर नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया गया, ऑलरेडी एक नॉक पड़ा हुआ, रोहित भी डाउन होगा, एन के भी बचेगा अकेला प्लेयर। टीम सी एच बी के प्लेयर वहाँ पर लो जरूर डाउन जरूर पड़े हुए थे दो प्लेयर्स, लेकिन इनसेन ने इनकी भी को अपूर्व ओपी करेगा फिनिश ऑफ। वेजिटो एंड निखिल जो नॉक हुए थे उनको रिवाइवल दिया जाएगा एक स्मोक्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से। 10 किल टीम सी एच बी निकाल चुकी है, तीन फाइट्स अपनी बहुत अच्छी तरीके से निकाली है टीम सी एच बी ने। जो नंबर फोर हमारा फाइव बन चुका है, फोर बन चुका है हमारा, या जो टीम सी एच बी एंड टीम सेफ्रोन और टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल आउट ऑफ द जोन होंगी। इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है यहाँ पे, एक ही मिनट मिलता है जोन में जाने के लिए। एयर ड्रॉप जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं हमें वीकेंडी के मैप में, और एयर ड्रॉप नंबर सिक्स हमारा आता हुआ कोसडोरम में, जो टीम रेज ऑफिशियल यहाँ पे लूट करती नजर आ सकती है हेलमेट वेस्ट लेवल थ्री का और ए डब्ल्यू एम के साथ। टीम रेज ऑफिशियल इन्हीं के काफ़ी करीब बैठी हुई है फिलहाल, तो काफ़ी दूसरे एरिया एज पे है, तो शायद वहाँ पे टीम सी एच बी या टीम सेफ्रोन लूट करती नजर आएगी उसे एडो आपको। 18 सस्ती है जिसमें टीम टाइगर टीम मैनेजर्स वाले सोलो सोलो बचेंगे ये दोनों ही प्लेयर्स। टीम एरा थ्री मैन स्क्वाड, टीम क्लो थ्री मैन स्क्वाड, टीम सी एच बी फोर मैन स्क्वाड, टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल फोर मैन स्क्वाड, टीम सेफ्रोन थ्री मैन स्क्वाड एंड टीम रेज थ्री मैन स्क्वाड। तो 1v1v3v3v3v4v4v4 ए टीम 22 प्लेयर्स। लेट्स सी अब यहाँ पे कौन सी टीम्स चिकन डिनर लेके जाने वाली है आज के हमारे कस्टम वीकेंडी गेम ऐप का। सारी टीम्स अभी अभी अपने अपने यहाँ पे एक होल्ड करे बैठी हुई हैं, वेट करेंगी नेक्स्ट जोन्स का क्लोज इन होने का, फाइट्स वहाँ पे इंगेज करने का। यहाँ टीम सेफ्रोन यहाँ पर रोटेशन डाल रही है जोन के अंदर, जी हाँ बिल्कुल तीनों ही प्लेयर्स उनके जोन में रोटेशन डालते नजर आ रहे हैं हमें।
टीम सी एच बी यहाँ पर ड्रॉप यहाँ पर लूट करती नजर आई है टीम सी एच बी के प्लेयर्स, और 10 किल्स उनके पास ऑलरेडी हैं। वो एक एच पे बैठे हुए हैं, जोन हमारा क्लोजिंग होना स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, और ये जोन हमारा जल्द ही बनने वाला है। टीम सेफ्रोन के प्लेयर्स उस एयर ड्रॉप के एरिया में आए हैं, फ्लेयर ड्रॉप वहाँ पे किया गया है, फ्लेयर मंगाई गई है आई थिंक टीम सी एच बी के प्लेयर्स ने मंगाई है वो फ्लेयर। लेट्स सी यहाँ पर टीम सेफ्रोन के प्लेयर्स क्या फाइट लेने के लिए आने वाले हैं उधर टीम सी एच बी के प्लेयर्स से है कि नहीं। फिलहाल ड्रॉप्स पे यहाँ पे क्लोजिंग कर ड्रॉप पे स्पॉट इन करना चाहेंगे टीम सी एच बी के वेजिटो होते हुए स्पॉट वहाँ पे आई थिंक वो ऑफलाइन है, जी नहीं ऑफलाइन नहीं है, वो एक स्पॉट लेना चाहते थे, वो जो फ्लेयर ड्रॉप मंगाया गया है तो उसके चलते क्लो बाबा ने उनके ऊपर एक स्प्रे डाउन जरूर किया था, बट इतना ज़्यादा नहीं कि वो नोक निकाल सके। वहाँ पर वेजिटो थोड़ा डाउन जरूर हुए थे। टी डब्ल्यू ऑफिशियल टीम क्लो से फाइट लेते हुए टीम क्लो के प्लेयर्स को डाउन कर चुकी है लाइकन को, जो कि आए थे ड्रॉप लूट करने के लिए, लाइकन सॉरी हंक उसको रिवाइवल देंगे इधर एक्सपर्ट। टी डब्ल्यू ऑफिशियल यहाँ स्प्रे डाउन कर रही है, दो स्प्रे बट हुई है, हंक यहाँ पर रिवाइवल दो हो जाएंगे जी हाँ, बिल्कुल एक रिवाइवल हो चुके हैं, हील अप कर रहे हैं अपने आप को एक्सपर्ट पूरा उधर से स्प्रे डाउन करते हुए। एंड राइट से जो फ्लैंग हुआ है ये फ्लैंग थोड़ा मुश्किल डाल सकता है, एक्सपर्ट काफ़ी लो हो चुके थे, नॉक होंगे एक्सपर्ट एंड हंक अब फिर रिवाइवल लेने का ट्राई करेंगे एक्सपर्ट को, शायद उनके पास फर्स्ट यहाँ पे स्मोक्स नहीं है जिसके सहारे वो बच सकते थे, उनकी व्हीकल जो वहाँ से जिससे उनके सहारे वो निकल सकते थे, बट वो सहारा भी ख़त्म हो चुका है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होंगे। टीम डी एम डब्ल्यू ऑफिशियल अब नॉक करेगी लाइक एक्सपर्ट को फिर से, हंक फिर रिवाइवल देने का ट्राई करेंगे एक्सपर्ट जो हील अप कर रहे थे अपने आप को। या टीम क्लो के प्लेयर्स एक अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं, टी डब्ल्यू ऑफिशियल एक अच्छे तरीके से यहाँ पे फायर निकाले, नोक्स पे नोक करे जा रही है, डैमेज डील करती हुई पूरा अच्छे तरीके से क्लो के एक्सपर्ट को। आई थिंक जोकर ओपी डाउन कर सकते थे लेकिन वो उनकी जो फर्स्ट एड ओपन हो चुकी है, यहाँ पर टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल क्लोजिंग करती नजर आ रही है जिसके चलते टीम क्लो अपनी एक जोन के अंदर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर टीम क्लो के प्लेयर्स को जाते हुए स्प्रे टी डब्ल्यू प्रिंस ओपी जो ओपन से आ रहे थे अपनी टीम के ओर, हंग करेंगे उसको भी देन M416 4x डाउन एंड टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल के जो प्रिंस ओपी हैं आई थिंक यहाँ पे फिनिश ऑफ भी हो सकते हैं जी हाँ, वो यहाँ पे एक फिनिश ऑफ हो नज़र आ रहे हैं हमें, बिल्कुल टीम क्लो के हंग उसको फिनिश ऑफ भी करेंगे। टी डब्ल्यू ऑफिशियल हमारी जो उनके लिए रोटेशन डाल चुकी है, 3 मैन स्क्वाड के साथ आ चुकी है, क्लो के प्लेयर्स जो आप मुश्किल घड़ी में फंसे हुए थे वो उस मुश्किल घड़ी से निकलेंगे। उससे पहले टीम सी एच बी आती हुई पीछे से उनके कोजोराम के एक हिल पे आएगी, पीछे टीम क्लो का ध्यान भी देगी वो, और आगे टीम रेज एंड लेफ्ट में उनके टीम एक प्लेयर भी है, टीम सेफ्रोन के प्लेयर्स इन द मेजर्स वाले जो कि सोलो हैं उनके ऊपर क्लोजिंग कर चुके हैं। मेजर्स वाले ने ये किए मोलोडोल, उनके ऊपर भी मोलोडोल पहले ऑलरेडी आई हुई थी, थोड़े टाइम जरूर हुए हैं, फर्स्ट एड मेड किट उन्होंने फर्स्ट एड यूज़ किया उन्होंने इतनी सी हिल पे भी, यहाँ पे ये अमीरी दिखाते हुए अपनी पूरी पूरी सोलो होने की टीम सेफ्रोन के ऊपर। यहाँ पे 1v3 में सिचुएशन में मेजर्स वाले किस तरह का डील करने वाले हैं, पीछे आते हुए किलो बाबा बैरल से अपने उसको फिनिश ऑफ करते हुए बहुत अच्छे तरीके से, टीम 4 किल होते हुए टीम सेफ्रोन के, अब यहाँ पे बैक टू बैक चिकन डिनर ले चुकी है टीम सेफ्रोन, क्या आज यहाँ पे हैट्रिक करने वाली है कि नहीं, लेट्स सी। टीम क्लो के प्लेयर्स अभी यहाँ पे 5 किल्स के साथ खेल रहे हैं, टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल 3 मैन स्क्वाड के साथ है, किल अभी उनका नहीं है, टीम रेज के प्लेयर्स के पास 7 किल्स हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से, वो वहाँ पे एक फाइट डील कर सकती है टीम सी एच बी के ऊपर क्लोजिंग कर सकती है, टीम सी एच बी के पास 10 किल्स हैं तो यहाँ पे 2-3 साइड से फाइट लेती नजर आएगी टीम सी एच बी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक जो फ्लेयर वो मंगाया था उसमें उन्होंने मंगाई थी ये BRDM जो काफ़ी मदद देगी उन्हें वीकेंड के मैप में, बहुत ज़्यादा मदद देती है टीम सी एच बी, काम करती ज़्यादा नजर आती है, बहुत ज़्यादा यूजेबल रहती है इनके लिए BRDM, अगर उनके पास फ्लेयर होती है तो BRDM को बहुत ज़्यादा यूज़ करते नजर आते हैं, एक पत्थर की कवर में यहाँ पे BRDM को लगाते हुए फिलहाल टीम सी एच बी के प्लेयर्स। टीम क्लो का जो रोटेशन लेफ्ट से आ रहा है वो विद जी हाँ व्हीकल्स के साथ है, टीम एरर वैनम वहाँ पर टाइगर को फिनिश अप करेगा वाया व्हीकल डिस्ट्रॉयड, टीम आर का किल्स में होता हुआ थोड़ा सा इजाफा उधर से टीम क्लो के प्लेयर्स जाते हुए रोटेशन, टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल टीम सी एच बी से बैठ लेगी, टीम क्लो के लाइकन एंड फंसेंगे थोड़ा फंस सकते थे लेकिन एक अच्छे टाइम पर वहाँ से थोड़ा फॉल बैक करते नजर आई, लेकिन टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल हो गए इनके सामने, टीम क्लो बहुत ज़्यादा मुश्किल में, आई थिंक यहाँ पर लाइकन और हंक बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं, डाउन तो नहीं होंगे, हंक यहाँ पे उतर चुके हैं, व्हीकल उनकी काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, अभी फिलहाल बचे रहेंगे एक यहाँ पे रिवर के सहारे एक अच्छा यहाँ पे ट्राई, टीम रेज के प्लेयर्स इस फाइट में आते हुए एक्सपर्ट को नॉक एंड फिनिश ऑफ डालते हुए टीम रेज के प्लेयर्स एंड टीम सी एच बी से, तो उनकी फाइटिंग एज हो ही चुकी है, 16-18 प्लेयर्स हमारे बचते हुए हमारे टीम सिक्स टीम रेज टीम क्लो टीम सेफ्रोन टीम आर टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल टीम सी एच बी
हमारी 6 टीम्स ये बचती हैं, सारी की सारी हमारी एक ही स्क्रीन में हमें नज़र आ रही हैं। टीम रोहित 3 मैन स्क्वाड, टीम टी डब्ल्यू बी एल 3 मैन स्क्वाड, टीम क्लब बचे की डो मैन स्क्वाड, टीम सी एच बी के बाद नंबर एडवांटेज 4 का रेजिटमेंट साहिल को डाउन करेगा। टीम सेफ्रोन के साहिल डाउन हो चुके हैं, उसको छोड़कर बाबा एंड सेफ्रोन नीचे के बाद आ चुके हैं। ये वीकल डेस्ट्रॉयड होकर फट सकते हैं बिल्कुल, रेजिटमेंट निकालेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से वो किल्स उनके G36 से। पूरी टीम सेफ्रोन को फिनिश ऑफ करते हुए टीम रेज यहाँ पे वीक कैंडी के मैप में इस ठंडे मौसम में आग लगाती नजर आ रही है टीम रेज। यहाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हमेशा की तरह अपना परफॉर्मेंस दिखाती हुई वीकेंडी के अंदर, टीम आर के प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर कैरी करते हुए अपनी किल्स को लेते जाते हुए टीम आर के प्लेयर्स टी डब्ल्यू ऑफिशियल के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल बनाए हुए। टी डब्ल्यू ऑफिशियल का आज किल तो कोई नहीं हुआ है, फिलहाल सर्वाइवल टॉप 5 तक पहुँच चुका है। 2 प्लेयर्स उनके टीम आर के प्लेयर्स वहाँ पर उनके ले चुके हैं। टी डब्ल्यू के जोकर ओपी बचेंगे, वाई स्मोक सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं फिलहाल टी डब्ल्यू के प्लेयर्स। यहाँ पर टीम रेज एक एज पे बैठे हुए, टीम सी एच भी सेकेंड एज पे बैठे हुए, टीम ग्लो बैठेगी मिड ऑफ द सर्कल, टीम आर आर के प्लेयर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं मिड ऑफ द सर्कल। टीम क्लो के हांग वहाँ पर अपनी व्हीकल को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर एक एडवांटेज खत्म करते हुए अपोनेंट वाली टीम्स का। फिलहाल टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल का प्लेयर टीम सी एच बी के वेजुटो के ऊपर डालेगा स्प्रे बर्ड, यहाँ पे अप करेगा लोकेशन रिवील। टीम आर आर के प्लेयर्स को उसकी लोकेशन रिवील हो चुकी है, जोन जाना होगा टीम आर आर के प्लेयर्स को, टीम टी डब्ल्यू ऑफिशियल को, टीम क्लो के प्लेयर्स को, यानी कि यहाँ पर जोन भी चाहता है टीम सी एच बी या टीम रेज निकाले वो चिकन डिनर। आज का हमारा फिलहाल देखते हैं टीम रेज हमेशा अपना वीकेंडी की जो वीन अमन उस पर करते हैं वहाँ पर फिनिश ऑफ। टी डब्ल्यू ऑफिशियल का लास्ट प्लेयर जो जोकर ओपी बचा हुआ था एक प्लेयर को हाँ फिनिश ऑफ कर चुके हैं। 4 टीम 12 प्लेयर्स बचते हैं हमारे टीम रेज, टीम सी एच बी, टीम आर आर या टीम क्लो, या 2v3v3v4 ये रहेगी हमारी ये फाइट। टीम क्लो के प्लेयर्स लेट रोटेशन में जाने वाले हैं, टीम आरआर के प्लेयर्स उनके पीछे से आएंगे, जिसके चलते इस फाइट में यहाँ दोनों ही टीम्स को नुकसान बराबर का होने वाला है। टीम क्लो के लाइकन होंगे वहाँ मौजूद, एरर वैनम कर चुके हैं जंप अप, आई थिंक वहाँ पे नॉक बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। यहाँ क्लो के हंक एंड लाइकन बहुत अच्छी तरीके से निकालेंगे नॉक एरर वैनम को, एंड शैतान यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो, सतन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं, ऑलरेडी लो हो चुके हैं सतन अपने आप को करते हुए वो हील अप। एरर एम्परर बचेंगे, सी एच बी से फाइट होती है टीम रेज की, जोन वाले जोन में फाइट लेते हुए, आउट ऑफ जोन वाले जोन के लिए फाइट लेते हुए सी एच क्लो के लाइकन को स्पोर्ट करेगा एम्परर, काफ़ी लोग किया है उसने, शतन को क्या वहाँ से स्पोर्ट हो पाएंगे कि नहीं लाइकन। सी एच बी निखिल वहाँ पर है सोनू के ऊपर नॉकआउट निकाल चुके हैं, लाइकन फिलहाल एक कवर में बैठे हुए, नीचे उनके हंक भी हैं। जी हाँ, ये फाइट अब दोनों ही टीम्स को जैसे मैंने बोला था दोनों ही टीम्स को देगी यहाँ पे एक खराब पोजीशन में डालेगी। दोनों ही टीम्स को जाना है जोन में और फाइट भी लेनी है। आई थिंक टीम एरर के एम्परर जरूर जाना चाहेंगे वहाँ पे क्लोज, यहाँ पे करते हुए एक फ्लैंक एरर लाइकन को, क्लो के लाइकन को निकालते हुए नोक, रेड डाइसन निखिल को डाउन कर चुके हैं, सतन वहाँ पे बचे हैं, एरर एम्परर को हंक डाउन करेंगे सतन, एक टीम क्लो के प्लेयर से फाइट लेंगे, लेकिन टीम रेज के प्लेयर्स यहाँ पे नोक नोक खेलते हुए टीम सी एच बी एंड टीम रेज एक दूसरे के एक एक नोक, एक नोक एंड रिवाइव, नोक एंड रिवाइव, क्लो के हंक करते हुए उस प्लेयर को भी फिनिश ऑफ। अपने प्लेयर को तो रिवाइवल नहीं देना दे पाएंगे शायद, वो जोन में पहुंच जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल हंग करते हुए रोटेशन ऑफ द जोन टीम क्लो के प्लेयर्स, यहाँ पर जोन इन्हें नहीं मिल रहा है, कवर जोन का नहीं मिल रहा है फिलहाल, अभी जोन बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला है प्लेयर्स को। हंग क्या बच पाएंगे कि नहीं, फर्स्ट एड पोपिन कर पाएंगे कि नहीं, लाइकन प्लेयर जोन से फिनिश होते हुए फर्स्ट एड उन्होंने पोपिन जरूर किया, लेकिन ये फर्स्ट एड नहीं लग पाएगी। टीम रेज एंड टीम थ्री एच बी फाइट होती हुई लास्ट फाइट, दोनों ही टीम्स को मैंने बोला था उस फाइट में दोनों ही टीम्स को नुकसान होने वाला है, वही नुकसान हुआ टीम सी एच बी वर्सेस टीम रेज 3v4। टीम रेज क्या वीकेंडी की हमेशा की तरह वीकेंडी में अपना यहाँ पे झंडा गाड़ने वाली है, या टीम सी एच बी जो अपने नंबर एडवांटेज के साथ जो किल एडवांटेज 12 लेके चुकी है, 11 किल टीम रेज के पास भी, सी एच बी नमन बी आर डी एम लेकर चल दिए हैं, बी आर डी एम को आगे लेकर आना चाहेंगे। बी आर डी एम के ऊपर जाता हुआ उनका स्प्रे डाइसन का भी गया था, उधर एक एम वे सिक्स चलाते हुए नजर आ रहे हैं डाइसन, बी आर डी एम को पूरा डिस्ट्रॉयड करके वहाँ नोक निकालने का ट्राई करेंगे। सी एच बी नमन लो काफ़ी थे लेकिन नोक नहीं निकल पाएंगे वो, जी हाँ बिल्कुल नोक नहीं हो पाएंगे। सोनू एक कवर व्हीकल के कवर से बैठे हुए हैं, जो उनके ऊपर नहीं है टीम सी एच बी के ऊपर जो नहीं है, रेजिट मैंने निकाल दिया है, पूर्व पी को डाउन कर दिया है। टीम रेज के प्लेयर्स बहुत अच्छी तरीके से कैरी करते हुए ये जोन हमारा स्टार्ट हो चुका है, टीम सी एच बी को जोन में आना था, आ चुके हैं वेजिटो ओ पी भी जोन के अंदर, वो व्हीकल भी डिस्ट्रॉयड करते नजर आएंगे टीम रेज के प्लेयर्स। सोनू के ऊपर नोक निकालने का ट्राई वेजिटो ओ पी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई इतनी आसानी से नोक नहीं निकल पाएगा। सी एच बी पूर्व ओपी को क्या यहाँ पर रिवाइवल दे पाएंगे कि नहीं, या टीम रेज के प्लेयर्स वहाँ पर कर पाएंगे उसको नोक एंड फिनिश ऑफ, जो नोक किया था फिनिश ऑफ।
फिलहाल टीम क्लो के टीम सीएचबी के ऊपर ग्रेनेड्स आने वाले हैं। एक ही स्पॉट पे बैठेगी टीम सीएचबी, मुश्किल में डालेगी। पहले भी एक बार टीम सीएचबी की ये सिचुएशन आई थी, टीम टीडब्ल्यू के प्लेयर एक ग्रेनेड बहुत ही अच्छा जाता हुआ, जो बैजी टोपी को भी काफ़ी लो किया है। फिलहाल अपने आप को यहाँ पर करेंगे हील अप, और ये एक और ग्रेनेड ग्रेनेड्स पर ग्रेनेड आएंगे टीम रेज की ओर से टीम सीएचबी के ऊपर। लेकिन अब जब तक उनके पास ग्रेनेड है, जब तक टीम सीएचबी को ज़रूर खतरा बना रहेगा। ये ग्रेनेड है पूर्व ओपी के काफ़ी क्लोज में आता हुआ, क्या यहाँ पर लोग नोक निकालेगा, हो सकता है लो ही करके जाएगा। फिलहाल रेज के डाइसन को पड़ता हो जो उनका डैमेज, वो आते हुए जो उनके ऊपर से यहाँ पे नोक हो सकते हैं रेज डाइसन जरूर। एंड जोन तो क्लोजिंग टीम सीएचबी के ऊपर भी हुआ है, लेकिन आखिर रुका है यहाँ पे। लास्ट जोन हमारा बन चुका है, टीम एट जोन हमारे हो चुके हैं, रेड टाइसन थोड़ी आगे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज में फाइट चलती हुई, वेजी टोपी निकालेंगे टाइसन के ऊपर नोक। सोनू एंड हिटमैन किस तरह डील करेंगे, 2v4 सिचुएशन। फिलहाल सोनू भी होंगे डाउन एंड हिटमैन अकेले बचेंगे, जो एक नोक जरूर नमन के ऊपर निकाल के गए हैं। हिटमैन 1v3 सिचुएशन, अपूर्व ओपी को भी करेंगे डाउन 1v1, यहाँ पर दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं। वेजी टोपी को भी करेंगे डाउन, तीन नोक निकाल चुका है हिटमैन 1v1 करके, बहुत ही अच्छा क्लच यहाँ पे। निखिल क्या वहाँ पे रिवाइवल दे चुके हैं नमन को, अब फिर अगेन 1v1 जो था वो 1v2 में कब दिल होता हुआ, लेकिन हिटमैन यहाँ पे बहुत ही मिनी सेकंड से रह चुके हैं। वो बाई इंचिस चिकन डिनर छोटा है टीम रेस से। हिटमैन का बहुत ही ओपी ट्राई था, 1v1 करके 3 नॉक्स निकाले थे उसने। वन वो लास्ट प्लेयर रिवाइवल हो गया, उसके चलते यहाँ पे दो प्लेयर्स का स्प्रे पड़ गया। टीम रेस जाएगी सेकंड पोजीशन पे विद 11 किल्स। टीम सीएचबी ओपी चिकन डिनर लेती हुई विद 15 किल्स। टीम क्लो जाएगी थर्ड पोजीशन विद 8 किल्स। टीम आरआर जाएगी फोर्थ पोजीशन विद 7 किल्स। टीम टीडब्ल्यू ऑफिशियल 0 किल्स। बाकी हमारे स्टैट्स ये रहेंगे।